जाम की समस्या के ठोस समाधान के लिए महानगर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पहले 6 लेन फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। सीएम 4 दिसंबर रविवार को 429.49 करोड़ रुपए की लागत से टीपी नगर से पैडलेगंज तक बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 6 लेन फ्लाईओवर समेत कुल करीब 950 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महानगर में जाम की समस्या से निजात पाने तथा बाहरी हिस्से में रोड कनेक्टिविटी को और शानदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने टीपी नगर से पैडलेगंज तक 6 लेन फ्लाईओवर का प्रस्ताव बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। सीएम के निर्देश के बाद इस परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट में देवरिया बाईपास को भी 4 लेन फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। 4 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट के साथ ही मुख्यमंत्री 399.24 करोड़ रुपए से गोरखपुर उपमार्ग देवरिया बाईपास के 4 लेन में चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कार्य तथा 67.35 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़ ताल नौकायन से देवरिया बाईपास तक 4 लेन में चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। राप्ती नदी में गिरने वाले कटनिया महवा नाले के इंटरसेप्शन डायवर्जन एवं ट्रीटमेंट से संबंधित परियोजना का शिलान्यास भी सीएम के हाथों होगा। इस परियोजना की लागत 53.03 करोड़ रुपए है। 4 प्रमुख परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर समान विचारधारा की सरकार देने की अपील करेंगे। 4 दिसंबर को गोरखपुर में मुख्यमंत्री का व्यस्ततम दौरा रहेगा। सुबह 10 बजे वह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर आशीर्वचन देने के लिए मौजूद रहेंगे। 4 दिसंबर को अपराह्न 2 बजे सीएम योगी रीजनल स्टेडियम में चल रही महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिसंबर को गीता प्रेस भी जाएंगे। वह शाम 5 बजे यहां आयोजित गीता जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे।